नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मन की बात फालतू की बात है, हम क्यों सुने। लखमा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, इसीलिए कांग्रेस विपक्ष के लायक भी नहीं बची। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात पर सवाल उठाते हुए कहा, फालतू बात को हम क्यों सुने, हमें कोई और काम नहीं है क्या। लखमा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, इसीलिए जनता ने इन्हें विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा, पहले 15 लाख रुपए काला धन लोगों के खाते में आए, महंगाई कम करें, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करें, तब मन की बात सुनेंगे। झूठ बोलने से कोई मन की बात नहीं सुनेगा। कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा, मन की बात एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, पीएम मोदी इसमें खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और देश के गुमनाम योद्धाओं की बात करते हैं। पूरा देश इस कार्यक्रम को सुनता है, क्योंकि कांग्रेसियों ने जनता को सुनना बंद किया, इसलिए देश ने कांग्रेस को सुनना बंद कर दिया है और पिछले 2 बार से ये विपक्ष के लायक भी नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात 30 अप्रैल को अपने 100 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लोगों के बीच सुनाने के लिए बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। प्रदेश भर में मन की बात सुनाने के लिए बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने भी इस कार्यक्रम के जरिए जमीनी प्रभाव और समाज में आए बदलाव को रेखांकित करने की योजना बनाई है।